हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं गाइस साइंस से रिलेटेड कुछ वन लीनियर फैक्ट्स को। यहाँ पर देखो, हम जो एग्जाम टारगेट करने वाले हैं वो है सीटेट पेपर 2, जहाँ पर साइंस आता है, DSSSB TGT जहाँ पर 100 मार्क्स का साइंस आता है, और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS जहाँ पर 100 मार्क्स का साइंस पूछा जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स या फिर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो सेशन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट आज का वन लीनियर फैक्ट है कि जो एल्गी है उसे हम क्या कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा थैलोफाइट्स। यहाँ पर मैंने क्या किया है, बहुत शॉर्ट में लिखने की कोशिश की है, और आप भी इसी तरीके से कोशिश कीजिए कि हमारे जो नोट्स होते हैं वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में रहें, ताकि जब भी हम एग्जाम टाइम में उनका रिवीजन करें तो बिल्कुल मेन पॉइंट्स हम उनको पढ़ते हुए चलें। तो एल्गी को क्या कहा जाता है, थैलोफाइटा भी कहा जाता है। फिर है ब्रायोफाइट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है, क्या है इसमें कि जो प्लांट किंगडम का एम्फीबियन मतलब उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। ब्रायोफाइट्स में कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू मतलब जो वाटर और फूड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कंडक्ट करते हो, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम, वो नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मतलब जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं, जो शीट्स होते हैं, जो बीज होते हैं, वो नेक्ड होते हैं, मतलब उनमें कवरिंग नहीं होती है। एंजियोस्पर्म को क्या कहा जाता है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। क्यों, क्योंकि एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावर्स देते हैं। फिर है मैमल्स लिविंग इन अ कोल्डर क्लाइमेट। जो ऐसे मैमल्स, ऐसे स्तनपाई जो कि ठंडे जगह पर रहते हैं, ऐसे में क्या होता है, उन लोगों के छोटे कान और छोटी लिम्स होती हैं। किस वजह से, टू मिनिमाइज हीट। अब क्या है, वो पहले से ही ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं, अब उनको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी क्योंकि हीट का लॉस ज्यादा होगा। ऐसे में क्या होगा, जो उनके कान और जो फोर लिम्स वगैरह, हाथ पैर होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, ताकि जो हीट का जो लॉस है वो कम हो पाए। फिर बात आती है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल्स इंक्रीजिंग ब्रीथिंग रेट। देखो, अब ये बहुत शॉर्ट में लिखा है लेकिन बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी होती है वहां पर क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स बनती जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा बनती हैं। क्यों बनती हैं, ताकि जो ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा जब ऊंचाई पर जाते हैं तो ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। तो क्या है, ऐसे में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो अपनी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं और ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। देखो, नेक्स्ट पॉइंट में भी यही लिखा है, हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज नॉर्मली हैव हायर नंबर ऑफ RBCs। क्या होता है, जो लोग हिमालय रेंज या वहां उस क्लाइमेट में रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि उनके पास ज्यादा RBCs होती हैं। क्यों होती हैं, ताकि जो RBC अगर ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन लेवल भी सही बना रहेगा, और जो ब्रीथिंग रेट आपने देखा होगा हिमालय पर जाते हैं तो, या फिर हम बहुत ज्यादा कभी ऊंचाई पर भी जाते हैं तो बहुत ज्यादा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है, इसी वजह से कि RBCs अपनी संख्या बढ़ाकर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सके। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म। इसमें क्या होता है, एक स्पीसीज तो जो होती है उसको बेनिफिट हो रहा होता है, दूसरे को ना तो बेनिफिट हो रहा होता है ना ही उसको हार्म हो रहा होता है, वो कमेंसलिज्म है। ये भी बहुत रिट्रो से क्वेश्चंस हैं, मैंने जितनी भी प्रीवियस ईयर्स हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस बने हैं, जो भी वन लीनियर फैक्ट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं डिफरेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी इसमें ऐड करने की कोशिश किया है। होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। फिर है वन स्पीसीज इज हार्म एंड अदर इज अनअफेक्टेड। मतलब क्या होता है, एक स्पीसीज को हार्म हो रहा है लेकिन दूसरी अनअफेक्टेड है, तो क्या होगा,
एमेंसलिज्म, और बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड तो क्या होगा? म्यूचुअलिज्म। ये देखो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक को फायदा है दूसरे को ना नुकसान ना फायदा तो क्या होगा? कमेंसलिज्म। एक को नुकसान दूसरा अनअफेक्टेड है तो क्या होगा? एमेंसलिज्म। और बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, अगर दोनों को फायदा है तो म्यूचुअलिज्म। द ह्यूमन लिवर फ्लूक, जो ह्यूमन लिवर फ्लूक है वो डिपेंड कितने होस्ट पर रहता है? टू इंटरमीडिएट होस्ट, एक होता है स्नेल और एक होती है फिश, टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। फिर है एक्टो पैरासाइट, पैरासाइट्स जो कि परजीवी होते हैं, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंतः, तो जो बाह्य परजीवी होते हैं उनके एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं, तो लाइस ऑन ह्यूमन बींग, जो जू होती हैं वो, और टिक्स ऑन डॉग्स। आपने देखा होगा कि डॉग वगैरह में खुजली वगैरह हो जाती है, वो इसी की वजह से होती है। ब्रूट पैरासिटिज्म, ये भी बहुत पूछा गया है, ब्रूट पैरासिटिज्म तो बहुत बार पूछा गया है, तो इसमें जो कोयल होती है वो क्या करती है, कौए के घोंसले में अपने अंडे दे देती है और कौआ उनको अपने अंडे समझकर सेता है। तो कुकू ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, मतलब होस्ट यहाँ पर कौन है? क्रो। और क्रो क्या करता है? उनको इंक्यूबेट करता है। प्लांट्स रिवार्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिन एंड नेक्टर फॉर पॉलिनेशन। प्लांट्स का रिवार्ड किस फॉर्म में होता है? तो पॉलिन मतलब क्या होता है, जो पॉलिन ग्रेन्स आपने देखे होंगे, छोटे छोटे कण रहते हैं, उनको बोलते हैं पराग कण, और नेक्टर फॉर पॉलिनेशन। फिर आता है थॉर्न्स ऑफ एकेसिया एंड कैक्टस, आपने देखा होगा कैक्टस वगैरह में जो कांटे लगे होते हैं वो किस लिए होते हैं? फॉर डिफेंस के लिए लगे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो अमोनिया सीक्रेट करते हैं वो अमोनोटेलिज्म कहलाते हैं, जैसे एक्वाटिक एम्फीबियंस, इंसेक्ट्स इसके उदाहरण हैं। यूरिया जो सीक्रेट करेगा वो यूरियोटेलिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स, एम्फीबियंस। देखो अब एम्फीबियंस दोनों में यहाँ पर सेम आ रहा है, तो फिशेज, एम्फीबियंस और ह्यूमन बींग्स यूरिया सीक्रेट करते हैं। और यूरिक एसिड जो सीक्रेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यूरिकोटेलिज्म कहलाते हैं, जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट। प्लेटीहेलमिंथीज में यहाँ पर एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या है? तो फ्लेम सेल्स है। अर्थवॉर्म का एक्सक्रिएटरी ऑर्गन क्या है? तो नेफ्रिडिया है। कॉकरोच का मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है। ये एज इट इज एग्जाम में पूछे गए एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स पूछे जाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग का क्या होता है? किडनी है। ऐसे ही प्लेटीहेलमिंथीज में फ्लेम सेल्स है, अर्थवॉर्म में नेफ्रिडिया है, कॉकरोच में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स है, प्रॉन में एंटीनल ग्लैंड या फिर ग्रीन ग्लैंड है। अब एडीएच क्या है? तो एंटी डायरेटिक हार्मोन है, इसे वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और इसका क्या काम होता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वैसोप्रेसिन कहाँ काम करता है ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो किडनी पर काम करता है, और क्या काम होता है? तो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। फिर बात आ जाती है कि ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, तो चाइल्ड बर्थ के समय जो लिवर पेन होता है उसमें ये हेल्प करता है, और यूट्रस की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि चाइल्ड बर्थ को ये इजी बना पाए। ग्लूकोज क्या करता है? इंसुलिन की प्रेजेंस में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, ताकि ग्लूकोज का लेवल सही बना रहे। टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो वाटर हायसिंथ को कहा जाता है। एड्रिनेलिन जिसे हम इपिनेफ्रिन और नॉर एड्रिनेलिन को नॉर इपिनेफ्रिन कहते हैं, ये इमरजेंसी हार्मोन कहलाते हैं, फाइट फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। अब यहां पर हाइपोथैलेमस की बात आ रही है, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? मास्टर ग्लैंड को मतलब रेगुलेट करता है मास्टर ग्लैंड को। मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका काम क्या होता है, जो भी और ग्लैंड्स होती हैं जो और हार्मोन सिक्रेशन को बैलेंस या फिर मेंटेन करती है। अब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करते हैं, तो आइज ऑफ पोटैटो, आपने देखा होगा आलू में वो छोटे छोटे हरी हरी आंख टाइप की निकली होती है, तो आइज ऑफ पोटैटो, बल्विल ऑफ अगेव, ये एज इट इज याद कर लीजिएगा। राइजोम ऑफ जिंजर एंड बनाना, मतलब अदरक और केले में राइजोम के थ्रू होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। लीव वर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्लम एंड ऑफसेट ऑफ वाटर हायसिंथ। तो गाइज इस तरीके से कुछ वन लीनियर फैक्ट्स को मैं पर डे लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मुझे भी पता चल जाता है। जैसे कि इसमें एक कॉमेंट आया था कि इसी तरह की से जो साइंस की सीरीज है वो आप लाएं, तो इसी वजह से मैं ये
सीरीज लाने की कोशिश करूंगी। आप प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, स्पेशली उन एग्जाम्स के लिए जहां पर साइंस का अच्छा खासा वेटेज रहता है, जैसे आपका DSSSB जो भी आने वाला है, TGT जहां पर 100 मार्क्स का साइंस है, और EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जहां पर 100 मार्क्स का वेटेज लेकर आएगा साइंस। तो इस वजह से ये एक पूरी सीरीज रहेगी। वन लीनियर फैक्ट्स में इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और बहुत इजीली आप उस चीज को कर पाए, याद भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और ये जो PDF है इसको मैं आपके टेलीग्राम जो चैनल हमने बनाया हुआ है, ये एक पब्लिक ग्रुप रहता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पर मैं शेयर कर दूंगी। तो अगर आप खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें इससे भी और शॉर्ट या फिर कुछ अलग लैंग्वेज में, तो आप बना सकते हैं इजिली। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी तरीके से और वन लीनियर फैक्ट्स को लाने वाले हैं साइंस के। चलिए, आई होप पसंद आई हो, पसंद आए तो प्लीज शेयर करना अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।